बहुत खराब है। शायद बारिश हो जाए, फिर भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन्स में मुझे अभी अभी फर्टिलाइजर डालना है। देखिए, इसमें बर्ड्स आने लगे हैं। हाँ, ये बर्ड्स आने लगे हैं, तो अब इसको बहुत सारा खाना चाहिए होगा। अगर मैं नहीं डालूंगी इस समय, तो फिर वो बर्ड्स ख़राब भी हो सकते हैं। अभी इसको बहुत सा न्यूट्रिशंस चाहिए, तो मैं ये गार्डन मिक्स बना के रखती हूँ। इसमें हर कुछ मिला रहता है, जैसा सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ। और इसमें मैं खास मिलाई हूँ 3 केजी में 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सुपर फॉस्फेट है। ये मिट्टी को ढीला रखेगा, मतलब हल्का रखेगा, और रूटिंग में सहायता करेगा। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और 100 से 200 ग्राम अनुपात में मैं हर एक ड्रैगन प्लांट के लिए डालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो यही डर है कि रात को अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो ये पूरा धुल जाएगा, मेरा सारा मेहनत बेकार जाएगा। और खर्चे की बात तो बोलिए मत, वो तो है ही है। फिर भी मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ी सी गुड़ाई भी करना था, मैंने वो तो नहीं किया है। थोड़ा सा जो भी हो सकता है, माटी बिल्कुल गीली गीली है, कोई बात नहीं, गुड़ाई ना करो तो भी चलेगा। तो मैं इसी में डाल दूंगी। अब प्लांट्स को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मिट्टी पूरा गीला है, बस मैं खाली इस फर्टिलाइज़र को, मिक्स फर्टिलाइज़र को डाल दूंगी। रात को बारिश हो जाएगा तो ये अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा, तो गुड़ाई इतना ज़रूरी नहीं है, हो जाएगा काम मेरा। बस थोड़ा सा मिला दूंगी। अब देखिए, मदर नेचर के ऊपर छोड़ी हूँ, ज़्यादा बारिश होगा तो ये सारे धुल जाएंगे, फिर से डालना पड़ेगा। और ऐसा ना हुआ तो ये बस, अगर धो के नहीं निकला तो मेरा काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।